प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ सूचनाओं का पालन करें। कृपया आपके प्रश्न और शंकाएं Q&A में लिखें। चैट बॉक्स में पूछे गए प्रश्नों का कार्यक्रम में नहीं लिया जाएगा। प्रश्नोत्तरों के लिए कार्यक्रम के उत्तरार्ध में अवधि दी जाएगी और प्रश्न पूछने के लिए रेज हैंड इस ऑप्शन का उपयोग करें। वेबिनार शुरू हो गई। नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का कार्यक्रम है समस्याओं और का प्रबंधन, उनके विकल्प, क्या विकल्प हो सकते हैं। आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जगदीश राणा। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं बारामती महाराष्ट्र से। नमस्कार राणा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे पास डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी जी भी हैं। प्रकाश कुलकर्णी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? या डॉक्टर राणे, हार्टी वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अभी जो महत्व का आपका जो विषय है, काफी लोगों को बहुत समस्या है अबायोटिक स्ट्रेस में, और खुद उनको जानकारी लेने के लिए हम आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमें आशा है कि जो समस्या है उसका प्रबंधन से होगा कि हम आपको है कि आपका प्रेजेंटेशन आप शुरू करिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कुछ प्रॉब्लम अब स्क्रीन दिख रहा है आप ए वाले में? हाँ दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, थोड़ा बड़ा करिए। ओके, बिल्कुल बढ़िया सर। नमस्कार आप सब लोगों को। ये जो टॉपिक है अबायोटिक स्ट्रेसेस एंड ऑप्शंस फॉर मैनेजमेंट, मैंने हिंदी में थोड़ा बहुत कन्वर्ट किया है ये सोचकर कि ये थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। ये जब मैंने ये सारे प्रेजेंटेशन बनाया था तो मेरे दिमाग में था कि किसान भाइयों के लिए इसका कुछ यूज हो जाएगा, इसलिए हर जगह पे मैंने कोशिश की कि कुछ हिंदी में ही बताने की एक प्रयत्न है इसमें, लेकिन मेरी जो हिंदी उतना अच्छी नहीं है, कहीं कहीं कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, लेकिन प्रश्न के द्वारा मैं उसको क्लैरिफिकेशन कर सकता हूं। अगर आपका इजाजत हो तो मैं शुरू कर दूंगा। बिल्कुल सर, आप शुरू करिए। और आपकी सब हम दर्शकों से ये बताना चाहते हैं दर्शकों को कि जब प्रेजेंटेशन खत्म होगी उसके बाद एक ओपन सेशन किया जाएगा, तो आपके जो भी प्रश्न हो वो आप Q&A में लिखिए, सर बाद में आपके क्वेश्चंस का आंसर। सर प्लीज स्टार्ट करिए। कोई प्रशासनिक अधिकारी से या कोई मेडिकल डॉक्टर से या इंजीनियर से वो पूछते हैं कि ये अजैविक क्या है, अबायोटिक क्या है, अबायोटिक स्ट्रेस क्या होता है, तो मैंने सोचा कि उसको पहले शुरुआत में बता दें, बाद में अजैविक समस्याएं क्या है कृषि में, अजैविक तनाव के प्रभाव क्या है, फसलों की सहनशीलता क्या है अजैविक तनाव के प्रति, प्रबंधन के लिए क्या विकल्प हैं। लेकिन बहुत यानी ब्रीफली मैं बता रहा हूं, बहुत यानी छोटे से स्लाइड्स में बता रहा हूं उनको, क्योंकि हर जो अजैविक स्ट्रेस है वही एक एक बड़ा बड़ा कहानी बता सकता है। ये प्रेजेंटेशन का एक मकसद ये है कि आपको इंट्रोड्यूस करना है कि अजैविक स्ट्रेस क्या है और इसके बारे में जानकारी आपको कहाँ पे मिलेगी, पौधे या प्लांट्स कैसे ये अजैविक स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करते हैं, एक जानकारी का एक आउटलाइन आपको देना है, इसका ये मकसद है। और आखिर में मैं अजैविक स्ट्रेस संबंधित अनुसंधान संस्थाएं कितने हैं, अगर किसी को अगर समस्याएं हैं किस संस्था को कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं कह के
मेरा ये जो प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा और उसके बाद सारे आप लोगों का मैं सवाल ले लूंगा। तो शुरुआत अजैविक, ये अजैविक क्या है? मुझे अजैविक के बारे में बताने के लिए आपको जैविक के बारे में बताना आसान है। तो जैविक क्या है अगर हम देखें तो आपको पता है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इनके कारण बहुत सारे बीमारियां आते हैं। ये जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये सारे जो है जीवित एक तत्व है, मिट्टी में हो सकते हैं, हवा में हो सकते हैं, ये सारे जीवित हैं। इसलिए इनको ये जो स्ट्रेस लाते हैं प्लांट्स के लिए उसको जैविक स्ट्रेस कहते हैं। वैसे ही पौधों में कीड़े आते हैं, ये भी जैविक स्ट्रेस है, ये बायोटिक स्ट्रेस है, क्योंकि कीड़े भी जीवित होते हैं और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। और है रैट्स, चूहे जो है उससे नुकसान अगर कर रहे हैं, चूहा भी एक जीवित है, इसलिए ये भी एक जैविक स्ट्रेस है। और एक बैक जो है चमगादड़, इससे भी कृषि में नुकसान होता है। ये यहाँ पे ये जो चित्र है वो दर्शाता है, ये भी जैविक स्ट्रेस कहला जाता है। और कहीं खरपतवार, वीड्स जो कहते हैं, वो भी जैविक स्ट्रेस होते हैं। अब जैविक स्ट्रेस अगर ब्रीफली अगर बता दें, पौधों की बीमारी, कीट से नुकसान, चूहा द्वारा नुकसान, चमगादड़ द्वारा नुकसान, खरपतवार द्वारा नुकसान, ये सारे कोई भी जीवंत जीवों द्वारा पौधों को जो क्षति पहुंचाते हैं तो उसके लिए जैविक स्ट्रेस कहते हैं। तो क्या अजैविक क्या है? हम जमीन में नमी की कमी या सूखा, ड्राउट के बारे में कहते हैं। ड्राउट एक अजैविक स्ट्रेस है। बहुत अधिक तापमान अगर हो तभी भी पौधों को नुकसान हो जाता है, फसल को नुकसान हो जाता है, इसको भी अजैविक स्ट्रेस कहते हैं। बहुत कम तापमान हो तभी भी नुकसान हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कहीं कहीं जहां पे बर्फ गिरता है, जहां जहां ठंड बहुत हो जाता है, वहां पे भी फसल खराब हो जाते हैं, ये भी एक अजैविक स्ट्रेस है। लवणता या क्षारीयता, सलाइनिटी और अल्कलाइनिटी की बात हम करते हैं, ये भी अबायोटिक स्ट्रेस है या अजैविक स्ट्रेस है। जल भराव या वाटर लॉगिंग, जब जमीन के ऊपर पानी खड़ा हो जाता है, ये भी एक अजैविक स्ट्रेस है। बहुत कम सौर विकिरण, अगर आप, हम सब लोग जानते हैं कि सौर विकिरण के बिना पौधे नहीं उगते हैं और बड़े भी नहीं होता है और वृद्धि भी नहीं होता उसमें। तो अगर सौर विकिरण कम अगर हो जाता है, कभी कभी पौधे बहुत लंबे हो जाते हैं। कभी अगर आप गन्ने का जो खेत में अगर जाओगे, आपको बीच वाला जो गन्ने जो है बहुत लंबे लंबे दिखाई देंगे। वहां पे प्रकाश की कमी होती है तो प्रकाश के जो लेने के लिए वो जो लंबे हो जाते हैं, उसको कुछ हद तक इटियोलेशन भी कहते हैं, ये भी एक अजैविक स्ट्रेस है। अगर बहुत ज्यादा विकिरण अगर है, सौर विकिरण, उससे भी नुकसान होता है। दालिम्बे हो, दालिम्ब हो या टमाटर हो, और बहुत सारे फल में हम सन स्कैल्ड कहते हैं, तो ये सब बहुत ज्यादा विकिरण होने की वजह से होता है और ये अजैविक स्ट्रेस है। पोषक तत्वों की कमी, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो हम कहते हैं, ये भी एक अजैविक स्ट्रेस है। और पोषक तत्वों की अधिकता भी अगर हो, जैसे कि कहीं कहीं आयरन डेफिशिएंसी और आयरन टॉक्सिसिटी भी होती है, इसको भी अजैविक स्ट्रेस कहते हैं। दूसरे रूप में अगर कहना है, ये जो अजैविक स्ट्रेस या ताण जो कहते हैं मराठी में, ये पानी की वजह से हो सकता है, मिट्टी की वजह से हो सकता है, वायुमंडल के तत्व जो है उनकी वजह से हो सकता है, अतिरिक्तता या आवश्यकता से कम, ये दोनों अबायोटिक स्ट्रेस है, अजैविक ताण है। अब पानी की अगर बात करें, अगर आवश्यकता से अगर ज्यादा अगर होता है तो हम कहते हैं बाढ़ कहते हैं या वाटर लॉगिंग कहते हैं, जल भराव, अगर कम अगर होता है तो सूखा कहते हैं, तो ये दोनों अजैविक स्ट्रेस है। अगर वायुमंडल की बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक स्ट्रेस की बात करते हैं,
तो तापमान, विकिरण, हवा, मसूलदार बारिश, बाद में पराबैंगनी विकिरण मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हम कहते हैं, ये सारे अबायोटिक स्ट्रेसेस है। अगर इसको समअप करना है, सारांश बताना है, जो जीवित तत्व नहीं है उन तत्वों की वजह से अगर फसलों को अगर नुकसान अगर हो रहा है उसको अजैविक स्ट्रेस कहते हैं। वो पहला सवाल था। यहाँ पे मिट्टी की बात कर रहे हैं हम लोग। मिट्टी में जल धारण क्षमता अगर बहुत कम अगर है, वो सूखा का स्ट्रेस लेके आता है। लवणता या क्षारीयता अगर हो, वो भी एक मिट्टी की वजह से होने वाला अजैविक स्ट्रेस है। विषाक्त तत्वों के वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। अब अजैविक स्ट्रेस के बाद जब करते हैं, यहाँ पे प्रमुख चिंता की बात करने वाले जो स्ट्रेस है, जमीन में नमी की कमी या सूखा है, सॉइल मॉइस्चर डेफिसिट ड्राउट, बहुत अधिक या कम तापमान है, लवणता या क्षारीयता है, जल भराव वाटर लॉगिंग जो कहते हैं, बहुत अधिक या कम विकिरण है, पोषक तत्वों की अधिकता या कमी, ये भी अजैविक स्ट्रेस है। ये उसका एक सारांश है। तो तीसरा सवाल ये है, अजैविक तनाव के प्रभाव क्या है। मेरे पास एक ही स्लाइड है, अगर आप इंटरनेट में जाओगे तो बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे कृषि में 50% नुकसान ये ड्राउट की वजह से होता है या अब अबायोटिक स्ट्रेस की वजह से होता है, कहीं कहीं 100% भी हो सकता है। जैसे कि फ्लड अगर आ गया, तूफान आ गया, तब पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। ये जो 50% नुकसान में से उच्च तापमान की हाई टेम्परेचर का नुकसान 40% होता है, लवणता का 20%, सूखा का 17%, और कम तापमान का भी असर 15% के आसपास होता है। भारत में भौगोलिक क्षेत्र का 36.5% खराब लैंड है। ये खराब लैंड की वजह से भी अजैविक तत्वों का परिणाम होता है। और चौथा सवाल जो है, फसलों की सहनशीलता, क्या फसल कैसे ये जो अजैविक तत्वों को सहन कर लेते हैं, उनमें क्या ऐसे तंत्र है, उसके बारे में कुछ मैं बताना चाहता हूँ। ये थोड़ा विज्ञान है उसके बारे में। जब हम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी या पोषक तत्वों की कमी की बात करते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व है, हर पोषक तत्व के लिए अलग अलग तंत्र है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बता रहा हूं। ये फॉस्फरस का एक एग्जाम्पल है। जब फॉस्फरस की कमी होती है या फॉस्फरस को लेना है प्लांट को, तब छोटी जड़ें जो होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, वो एक मैकेनिज्म है। दूसरी बात, कभी कभी जो जड़ें सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे माइक्रोएल्गा की बात करते हैं हम लोग, उसके साथ मिलके ये जो फॉस्फरस वाला जो कंपाउंड है उसको डिजोल्व करते हैं और उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं जड़ के द्वारा से। एक एग्जाम्पल है। ऐसे आपको 50 मैकेनिज्म डिफरेंट यानी अलग अलग पोषक तत्व जो है उनके लिए आपको मिलेगा। जस्ट ये मैं आपको परिचय दे रहा हूं कि कैसे ये जो मैकेनिज्म ऑपरेट करते हैं। अगर आप देखोगे कि वाटर लॉगिंग के बारे में एक बहुत अच्छा सा एक रेफरेंस है, प्लांट कैसे इसको सहन करते हैं जल भराव को, इसमें एक रेफरेंस मैंने यहाँ पे दर्शाया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जड़ जो है इसपे परिणाम बहुत ज्यादा होता है जब जल भराव होता है। जब पानी भर जाता है मिट्टी में, मिट्टी का जो ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता है। ऑक्सीजन के बिना जड़ का जो वृद्धि नहीं होता है वो फैलता नहीं है, और बहुत देर तक अगर जल भराव अगर है सारे जड़ सड़ जाते हैं। लेकिन पौधों पे अपना ही एक तरीका है, अपना ही मैकेनिज्म है, अपना एक तंत्र है। उसमें ये कुछ सेल्स होते हैं जड़ में, उसको एयर वेसल्स यानी वायु का एक मार्ग जैसे जो बना देते हैं रूट टिप से, यानी जड़ के जो
आखिरी जो कोना है उससे शुरू हो जाता है ये जो वायु मार्ग और पौधों के पत्ते तक पहुंच जाता है, पत्तों के द्वारा ऑक्सीजन यहाँ पे पहुंच जाता है और जो जड़ जीवित रहते हैं ये ऑक्सीजन की वजह से। अगर जल भराव अगर भूत है तो कुछ जो जिसमें सहनशीलता नहीं है वो सारे सड़ जाते हैं। एक मैकेनिज्म है वाटर लॉगिंग टॉलरेंस के लिए। जब हाई टेम्परेचर की टॉलरेंस की बात करते हैं, जब राइस की बात करते हैं या जो जीरी की जो बात करते हैं यहाँ पे चावल की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर ज्यादा टेम्परेचर अगर है दाने बनते ही नहीं है। फूल जब फूलने के बाद उसका एंथर जो है वो नहीं आता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, दाना नहीं बनता है। लेकिन कुछ किस्म में ऐसे मैकेनिज्म है वो दोपहर के टाइम पे जब बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर रहता है, बहुत अधिक तापमान रहता है, तब फ्लावरिंग नहीं होता है। सुबह सुबह के वक्त जब कम तापमान होता है तब उसका फ्लावरिंग होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और दाना बनने के लिए अनुकूल परिस्थिति बन जाती है। ये एक मैकेनिज्म है। दूसरा मैकेनिज्म, अगर बहुत ही अगर गर्मी अगर है, प्लांट अपने जो पत्र रंध या स्टोमेटा जो कहते हैं लीफ के अंदर, उसके द्वारा पानी छोड़ने का एक प्रक्रिया जो होती है, बाष्पीभवन या ट्रांसपिरेशन जो कहते हैं, उसके द्वारा अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करता है। ये एक मैकेनिज्म तब कामयाब है जब आप जमीन में काफी पानी होता है। दरअसल जो अधिक तापमान का प्रॉब्लम जो टेम्परेट क्रॉप्स होते हैं, ये जो सर्दी में जो उगाते हैं गेहूं और बहुत सारे जो वेजिटेबल क्रॉप्स, उनमें एक कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है और वहां पे पानी की उतना कमी नहीं होती है क्योंकि ठंड रहता है। लेकिन ये प्रॉब्लम इवन ट्रॉपिकल कंडीशन में भी हो सकता है, वहां पे सूखा और अधिक तापमान ये दोनों का प्रभाव हो जाता है पौधों के वृद्धि में और पैदावार भी कम हो जाता है। सो मिट्टी का पानी कैसे घटता है अगर ये बताना है तो पत्तियों की सतह वायु एवं जल वाष्प के आदान प्रदान के लिए विशेष प्रकार अति सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, वही स्टोमेटा मैंने कह दिया, बहुत छोटे से होते हैं। इनका काम पत्तों को या पौधों को ठंडा रखना भी होता है और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है उसका कार्बन डाइऑक्साइड भी ये लेते हैं। लेकिन मिट्टी में पानी या जमीन में पानी कम होने का और भी वजह है, ये जो डायरेक्ट इवेपोरेशन वाष्पीकरण जो कहते हैं उसकी वजह से भी होता है। ये दोनों अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो कम से कम पानी से भी पौधों को जीवित रख सकते हैं। जब पानी दोबारा आ जाता है तब पौधे रिकवर कर सकते हैं और काफी मात्रा में नुकसान कम हो जाता है पैदावार में। यहाँ पे दूसरी जो बात जो मैं कहना चाहता हूं कि पानी का जो मिट्टी में जो पानी इसका स्तर या जो क्वांटिटी जो होती है ये जो मिट्टी से मिट्टी में बदलती है। जो कुछ काली जैसे काली मिट्टी अगर हो और बहुत गहरा हो तब काफी जो एक बार भी अगर बारिश हो तो काफी देर तक रहता है, गहराई में भी रहता है। तो कोई पौधा गहराई से अगर पानी उठा सकता है उसमें सहनशीलता होती है। ये जो यहाँ पे एक चित्र में दर्शाया जा रहा है कि और क्या क्या मैकेनिज्म या तंत्र पौधे में जो होते हैं जो सूखा के प्रति सहिष्णुता पौधों को देते हैं। पहला एक बचना या एस्केप जो कहते हैं, यानी ड्राउट या हाई टेम्परेचर हो उसे बचना है। अगर लंबा जो सीजन अगर हो, लंबे जो क्रॉप अगर हो, 140 दिन का फसल अगर है तो ये पॉसिबल है कि उसको जो दाने जब बनते हैं तब ड्राउट या सूखा और हाई टेम्परेचर दोनों आ जाते हैं। इसलिए किसान छोटे जो ड्यूरेशन के क्रॉप मांगते हैं, यानी जो
90 दिन में या 60 दिन में जो पूरा अपना जो फसल फसल साइकिल जो भी है वो कंप्लीट करते हैं उसको मांगते हैं, वो एक मैकेनिज्म है। दूसरा मैकेनिज्म एस्केप में ये भी है, दिन में बहुत गर्मी 12 बजे के बाद शुरू हो जाती है, तो उससे पहले बहुत सारे जो प्रक्रिया अगर अगर पौधा कर लेता है तभी भी ऐसे हाई टेम्परेचर या बहुत पानी लेने वाला जो समय है उससे बच सकता है, वो भी एक एस्केप मैकेनिज्म है, लेकिन एक दिन में होने वाले प्रक्रिया में से गिना जाता है। दूसरी बात जो है डिहाइड्रेशन अवॉइडेंस, जब बहुत गर्मी होती है या सूखा पड़ जाता है पत्ते सारे जो उसमें जो नमी होती है वो सब कम होने लगता है, उसको अवॉइड करने के लिए प्लांट भी ज्यादा से ज्यादा नमी जमीन से निकालता है। कुछ पौधे जो जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया बहुत गहराई से भी पानी को उठा सकते हैं, वैसे जो पौधे हैं सूखा एवं तापमान अधिक तापमान को सहन कर लेते हैं। तीसरा वाला तंत्र या मैकेनिज्म जो कहते हैं, पत्तियों में पानी की कमी होते हुए भी शरीर के सारे प्रक्रिया को जारी रखना, यानी एक ट्रू टॉलरेंस जो कहते हैं, ट्रू सहनशीलता कहते हैं सही मायने में, ये भी एक मैकेनिज्म होता है, लेकिन बहुत ही कम कम पौधे में ही पाया जाता है। कुछ जंगली पौधे जो होते हैं उनमें ऐसे प्रक्रियाएं ऐसे सहनशीलताएं पाए जाते हैं, और वैज्ञानिकों का एक कोशिश है ऐसे कुछ गुण हम फसल में भी लेके आ जाए, वो कैसे किया जाए, क्या क्या चीजें उसमें क्या क्या अनुसंधान की जरूरत है उसके बारे में भी विचार हो रहा है। जब सूखे की बात करते हैं हम लोग, जैसे मानिए कि एक पर्टिकुलर जगह पे जो सूखा पड़ता है, यहाँ पे साउथ में कहीं अगर पड़ता है महाराष्ट्र में ये जो सूखा है और कश्मीर में जो सूखा होता है पानी की वजह से, ये दोनों अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? एक तो वातावरण या वायुमंडल का जो नेचर या कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं गुण होते हैं उसकी वजह से हो सकता है। दूसरी मिट्टी भी आप देखिए, कहीं कहीं बहुत यानी गहरा मिट्टी है और काली मिट्टी है जिसमें पानी बहुत देर तक रहता है, बहुत पानी रहता है। कहीं कहीं लाल मिट्टी जहाँ पे उतना गहराई नहीं होता है वो भी मिट्टी होती है, उसमें पानी पकड़ के रखने का क्षमता बहुत कम होती है। उसके साथ साथ हाई टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर होता है उसके साथ इस, और ये जो सूखा जो है पौधों के प्राथमिक अवस्था में या मध्य अवस्था में या अंतिम चरण में आ सकते हैं, ये सारे मिला के अलग अलग के आपको सूखा मिल जाएंगे। और जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए इनका प्रबंधन के लिए, ये अलग अलग होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख लीजिए पानी का कितना, अभी शुगर केन पानी लेता है, ऊस या गन्ना पानी लेता है बहुत ही ज्यादा लेता है, गेहूं कम लेता है और चावल भी काफी पानी लेता है। इसी प्रकार अगर पानी की कमी होती है उनमें जो ड्राउट जो आता है, जो राइस में जो भी जल्दी आ जाता है सूखा, वीट में बाद में आ जाता है, ये भी फर्क हमको। आपको इंटरप्ट कर रही हूँ पर आप थोड़ा सा कैमरा में आ पाएंगे तो लोग आपको देख पाएंगे। अच्छा ओके अभी बिल्कुल बढ़िया है सर, प्लीज अभी ठीक है। ओके थैंक यू, आई एम सो सॉरी सर। ओके नो डोंट वरी। तो मैं ये आपको कह रहा था कि पानी का जो रिक्वायरमेंट है, पानी की आवश्यकता है, उसके हिसाब से ड्राउट के जो इफेक्ट भी होते हैं। और दूसरी बात मैंने बताया था कि अलग अलग समय पे जो अधिक वृद्धि का जो अवस्था होता है उस टाइम अगर पानी की कमी अगर हो जाती है उससे ज्यादा नुकसान हो जाता है, वो कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए सारा जो इक्वेशन सब कुछ दिया गया है, उसके ऊपर भी कुछ नजर रखना चाहिए जब आप कम से कम पानी से अपनी जो फसल का प्रबंधन करने की कोशिश करते हैं। प्रबंधन रणनीति के तीन पहलू मेरे हिसाब से, एक तो हमको अच्छी तरह से जानना चाहिए कि लक्षित कृषि परिस्थिति की जो टारगेट एरिया है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये हमको पता होना चाहिए।
दूसरी बात एडाप्टेशन की बात होती है, कैसे ये जो परिस्थिति में हम एडाप्ट करने वाला जो तरीका यूज कर ले। तीसरी बात मिटिगेशन की होती है, शमन करने वाला जो भी है वो कैसे करें। जब एडाप्टेशन या अनुकूलन की बात करते हैं उसमें दो तरीका है, आनुवंशिक सुधार जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, इसका फिजियोलॉजिकल क्या ट्रेट है, कैसे उसका जो सुधार करना है, कैसे प्लांट ब्रीडिंग का जो टेक्निक यहाँ पे यूज करना है, वो सारे इश्यूज यहाँ पे आ जाते हैं। दूसरी बात संसाधन प्रबंधन या रिसोर्स मैनेजमेंट की बात है, वो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको। और जब शमन की जो बात करते हैं, स्ट्रेस शमन की बात कर रहा हूं मैं, तीन चीजें मेरे ध्यान में आते हैं। एक तो जैव नियमकों बायो रेगुलेटर्स की बात करते हैं, बहुत सारे जो मार्केट में भी आए हुए हैं ये जो चीजें, तो उसकी वजह से वो इस्तेमाल करने से भी हम जो स्ट्रेस को शमन कर सकते हैं और नुकसान कम कर सकते हैं। और पानी बचाने का तकनीक, जब पानी चाहिए तभी देना है, जितना चाहिए उतना ही देना है, उससे भी हम स्ट्रेस को मिटिगेट कर सकते हैं। सूक्ष्म जीव का जो रोल जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया एक वहां पे माइक्रोराइजा का बताया, बैक्टीरिया है, बहुत सारे और भी सूक्ष्म जीव का जो संकुल है या उससे डिराइव्ड फैक्टर्स, ये जो कंपाउंड या जो बोलते हैं उससे भी ड्राउट स्ट्रेस या ड्राउट स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। बाद में इंपॉर्टेंट लास्ट वाला जो सवाल है, प्रबंधन के लिए विकल्प, क्या क्या विकल्प हमारे पास है। मैंने जैसे बताया कि एडाप्टेशन की बात होती है, मिटिगेशन की बात होती है, तो फसलों में आनुवंशिक रूप से सुधार जेनेटिक इंप्रूवमेंट की बात की मैंने, स्ट्रेस एडाप्टेशन की बात की, अत्यधिक अनुकूलनीय फसलें, हम जहां पे पानी कम है वहां पे भी गन्ना बोने की कोशिश करते हैं, बाद में बोलते हैं पानी कम पड़ गया और फसल खराब हो गया, वहां पे गन्ना बोने की जरूरत नहीं है, वहां पे और भी क्रॉप्स है, बहुत सारे क्रॉप्स है जिसके लिए कम से कम पानी चाहिए होता है, वो वाला एक विकल्प है। मिटिगेशन की बात नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की होती है। जब फसलों में आनुवंशिक रूप से सुधार की बात है, बहुत तेने ब्रीफली मैं बताना चाहता हूँ, ये एक ही स्लाइड है मेरे पास, तो ICR ने विभिन्न कृषि परिस्थिति की में उस 3300 उच्च उपज वाली किस्मों का विकसित जारी किया है। इसमें ये जो अबायोटिक स्ट्रेस या अजैविक स्ट्रेस को सहन करने वाले भी किस्म हैं, ये जो ICR इंस्टीट्यूट अलग अलग फसल के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट संस्थान हैं, वहां पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। जब कुछ सवाल होता है, क्या हम जो सूखा असहिष्णु फसल को सहिष्णु बना सकते हैं क्या, इसके लिए सवाल हाँ, क्योंकि कुछ ऐसे जो अनुसंधान किया गया है जहां पे एक राइस के वैरायटी या चावल का जो किस्म है जिनमें सहिष्णुता नहीं था सूखा के लिए, उसका सहिष्णु बनाया गया, ये पॉसिबल है। यही एक रणनीति और भी फसलों में अभी लाया जा रहा है। मैंने ये चीज तो बता ही दिया है आपको कि जमीन के प्रकार की वजह से भी अलग अलग सूखापन नजर आता है, इसके बारे में मैं दोबारा नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन महाराष्ट्र जैसी जो जगह पे इसका बहुत महत्व है और जो भी रणनीति है उसमें ये जो इंफॉर्मेशन का यूज या होना चाहिए। रिसोर्स मैनेजमेंट ऑप्शंस बहुत सारा है, मैं जो यहाँ पे जो अपने जो संस्था में जो बनाया गया एक चीज बता रहा हूँ, गन्ने में जो फसल काटने के बाद जो बचा रहता है उसको हम फसल का जो भी रेसिड्यू जो कहते हैं उसको जला देते हैं, लेकिन अगर उसको अच्छी तरह से मैनेज करें और जमीन के ऊपर उसको फैला दें, ये जो जमीन की नमी बचाने में ये बहुत काफी मदद करेगा। कंजर्विंग सॉइल पॉइस्चर, मिट्टी की नमी का संरक्षण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बहुत तरीके बताया गया है, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट नहीं करना चाहता हूँ,
सोलापुर में एक संस्था है सूखे के लिए, उन्होंने एक बुलेटिन निकाला हुआ है, उसमें दिया गया है और भी संस्थाएं हैं। दूसरी एक मैं चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे तरीके हैं कि पानी बचाने के लिए, पानी आपको इस जो रिजिस फरोश में हम देते हैं तो एक फरोश छोड़कर दूसरे फरोश में अगर देंगे तो क्या होता है मैं बताऊंगा। एक एबीए नाम का तत्व जो होती है, ये जो रूट में जड़ में उसका जो सिंथेसिस होता है, पैदा होता है जब सूखा पड़ जाता है, ये जो रूट टिप है एक सेंसर जैसे एक संवेदनशील होता है, इसको सेंस कर लेता है और छोटी मात्रा में एप्सिसिक एसिड नाम का एक कंपाउंड जो है तत्व जो है इसको पैदा करता है। ये तत्व पौधों के लीफ या पत्तों की तरफ बढ़ता है और पत्तों को बताता है भैया यहाँ पे जो टोमेटा आप बंद कर दो और पानी बचा लो, एक तरीका होता है। और ये प्रैक्टिकली अभी इसको डेमोंस्ट्रेट किया गया है, इससे काफी हद तक 50-60% पानी बचा सकते हैं, ये भी दिखाया गया है, ऐसे विकल्प भी आ रहे हैं। और एक मैकेनिज्म या तंत्र जो भी है, हानिकारक ऑक्सीजन अणु या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की हम बात करते हैं, अगर कोई भी अबायोटिक स्ट्रेस हो, यहाँ पे मैंने एयर पॉल्यूटेंट की बात नहीं किया था, सॉइल सैलिनिटी की बात की मैंने, हेवी मेटल्स की बात नहीं किया था, ड्राउट की बात की, हाईलाइट इंटेंसिटी या अभी जो बायोटिक स्ट्रेस की बात होती है, तब पौधों में ऐसे एक अणु पैदा होता है तो इसका मेन मकसद ये होता है कि डिफेंड करे, पौधों को बचा ले, वैसी जो चीजें होती है। लेकिन एक 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 स्टेज में ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। कुछ कुछ चीजें वैसे समुद्री खरपतवार का अर्थ या सीवीड एक्सट्रैक्ट जो कहते हैं, मैं एक एग्जांपल लेटेस्ट वाला मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, वैसे यूज करने से वैसे जो एंटीऑक्सीडेंट इसमें होता है, एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का शमन हो सकता है, ये भी प्रूव किया है। और एंटीऑक्सीडेंट बेस्ड जो कंपाउंड्स है अभी मार्केट में है, उसका स्प्रे करने से भी जो तनाव या अबायोटिक स्ट्रेस का शमन किया जाता है, ये भी एक संसाधन प्रबंधन का एक तरीका है। और मैं ज्यादा उसके बारे में आपको बताना नहीं चाहता क्योंकि आपको सिर्फ परिचय देने का उद्देश्य था इस प्रेजेंटेशन का। तो और आईसीआर की संस्था क्रीड़ा बारानी कृषि संस्था जो हैदराबाद में है, इन्होंने बहुत सारे लेख लिखा है, बहुत सारे तकनीक निकाला हुआ है, अगर पानी अगर कम है तो वहां पे फसल का कैसे प्रबंधन करें। मैं आप सबको सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये साइट भी आप विजिट करें और वहां का जो पब्लिकेशन है उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। बाद में और एक संस्था है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में, ये संस्था भी सूखे इलाके के लिए बहुत काम किया है, कौन से फसल ये सूखे इलाके में जैसे राजस्थान में ये बोया जा सकता है, उसके लिए प्रबंधन क्या क्या हो सकता है। और एक संस्था है राजस्थान में ही बीकानेर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, यहाँ के भी कुछ तकनीक जहां जहां पे बहुत कम पानी है वहां पे इस्तेमाल हो सकता है। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट एक बहुत महत्वपूर्ण भारतीय कृषि अनुसंधान का संस्था है, यहाँ पे सैलिनिटी के बारे में क्षार जमीन को कैसे संभालना है, कैसे मैनेज करना है, प्रबंधन करना है, क्षार जमीन के लिए कौन से किस्म के कौन से फसल के किस्म है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगा। और आप इस इंस्टीट्यूट का वेबसाइट भी आप विजिट कर दीजिएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, क्षार का क्या असर होता है शुगर केन या गन्नों पे, आप 18.6 मिलीमोल्स ईसी जो कहते हैं, अगर उतना तक अगर आ जाता है तो जो उसका जो उपज जो है, यील्ड जो है, बिल्कुल जीरो हो जाता है। और
50% डिक्रीज 10.4 पे आ जाता है। ऐसे हर क्रॉप के लिए इंफॉर्मेशन है, इसके लिए क्या करना है, इसका एक इलाज और इसका टेक्निक CSSRI में आपको मिल जाएगा। और एक तो बहुत ही पॉपुलर एक टेक्निक ये है कि जिप्सम, जिप्सम आप डाल दीजिए। तो यहाँ पे जो एक कनाडा का एक रिसर्च है, तो यहाँ से पता चलता है कि सिर्फ सलाइनिटी नहीं, इवन रूट का जो है सिस्टम का भी इम्प्रूवमेंट इसमें से हो जाता है। और एक इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल में, ये जो हम पोषक तत्वों के बारे में जो यहाँ पे रिसर्च बहुत होता है और इनका भी बहुत सारे जो रिकमेंडेशंस है और पब्लिकेशंस भी है, कैसे जो पोषक तत्वों का कमी या अधिकता को आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताया जा रहा है। और एक बहुत ही अच्छा सा चार्ट बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, एक कैलिफोर्निया का यूनिवर्सिटी का वेबसाइट से मैंने लिया है। जब सॉइल का पीएच ज्यादा या कम होता है उसके हिसाब से पोषक तत्वों का जो मात्रा नहीं मात्रा जो पौधों को मिलना है उसका एक डिसीजन हो जाता है। और ये जो चार्ट कैसे और कहाँ पे हमको आयरन या मैंगनीज बोरान जैसे जो न्यूट्रिएंट्स जो है उसका जो बाहर से देना पड़ता है पौधों को, कौन से सॉइल में देना पड़ता है, कैसे कितने मात्रा में देना पड़ता है, ये सारे जो इंफॉर्मेशन जनरेट किया हुआ है ये। और ये आपको सॉइल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स यहाँ से मिलेगा। और पोस्ट हेल स्टॉर्म ओलावृष्टि या मराठी में गारपीट आप जो कहते हैं उसके लिए कोई इलाज नहीं है, इसको रोक तो नहीं सकते, पूरा का पूरा जैसे द्राक्ष का बगायत को प्रोटेक्शन करने का तरीका टेक्निक प्लास्टिक से वो अभी आया हुआ है, लेकिन अगर होने के बाद कैसे इसको मरम्मत करें और कैसे इसका इलाज करें उसके लिए कुछ हमने अनुसंधान किया था, तो उसमें कुछ सुझाव यहाँ पे दिया गया है, उसको तो मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि ऐसी कुछ पब्लिकेशन अवेलेबल है। अबायोटिक स्ट्रेस इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्था, ये मेरी संस्था है और ये अजैविक स्ट्रेस के बारे में ही हम बात करते हैं, पानी की मिट्टी की वायुमंडल की तत्वों से जो अबायोटिक स्ट्रेस आता है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। हमारा कोशिश ये है कि कम से कम पानी में भी कौन सा किस्म सोयाबीन या कोई और फसल हो अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करता है, वो ढूंढ निकालने का एक तरीका हमने बनाया है। और इंफ्रारेड कैमरा के हम इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि सुबह से शाम तक अलग अलग किस्म के जो अलग अलग फसल के किस्म कैसे अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे दोपहर के टाइम तो बहुत गर्म रह जाते हैं, सुबह और शाम को बहुत ठंडा रह जाता है, कोई ऐसे किस्म मुझे मिले वो जो गर्म होते हुए भी अपना सारा शरीर क्रिया कायम रखे और उसमें कोई ज्यादा नुकसान ना हो, ऐसे जो किस्म को हम ढूंढ रहे हैं, तभी कभार मिलता है, अभी तक तो कोई नहीं मिला। दूसरा विकल्प हमारे लिए है जब बहुत कम गर्मी होती है तब ज्यादा ज्यादा मात्रा में या ज्यादा रेट में सस्य शरीर क्रिया करें और बायोमास का जनरेट करें और पैदावार जनरेट करें, वैसे किस्म हम ढूंढ रहे हैं, कुछ एकाध हमको मिले हुए हैं। और ये एक अनुसंधान जीवाणु से हमने किया था, ब्रैडीराइजोबियम, ये सोयाबीन के लिए बहुत जरूरी होती है, एक ब्रैडीराइजोबियम स्ट्रेन नया वाला हमने सोचा और ये एक सिद्धांत का परीक्षा करने की कोशिश की कि ये अगर जीवाणु अगर हम रखते हैं तो पौधे अपने आप को ठंडा रखने की क्षमता पौधों में ज्यादा हो जाता है, ये एक सिद्धांत था, ये प्रूव किया हमने। वैसे भी कुछ विकल्प हमारे पास है, जब जब बगायत वाला या बाग वाला जो भी है, द्राक्ष का बाग या पोमोग्रेनेट का या अनार का बाग, अंगूर के बाग, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे फोटोसिंथेसिस का जो सेंसिटिविटी संवेदनशीलता क्या होती है उसके बारे में भी कुछ अनुसंधान हमने किया और एक तरीका ढूंढ निकाला, इसका जो फोटोसिंथेसिस सिस्टम जो है
उसका सेंसिटिविटी कैसे नापना है, किस जो फसल का फोटो सेंसिटिविटी बहुत ही अच्छा होता है, तो हमने निकाला। जैसे हम सारे सोचते हैं दालिम का जो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी या जो संवेदनशीलता बहुत कम होता है जब इसको द्राक्ष और आम के साथ हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। ऐसे जो तरीके हमारे पास है, कल कोई जो कोई फर्म अपना एक प्रोडक्ट बेचना चाहता है और उसको बड़ा चढ़ाकर तारीफ करते हैं कि ये जो अजैविक स्ट्रेस के प्रति पूरा का पूरा आपको प्रोटेक्शन देगा, ऐसा वैसा, अगर वैसे जो कंपाउंड को अगर हमको परीक्षा करनी है, ऐसी तकनीकी तकनीक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, ये जो इसका यहाँ पे दो किस्म के सोयाबीन प्लांट है यहाँ पे, इसको पूरा पूरा के पूरा सुखाया गया था, बाद में दोनों को इकट्ठे पानी दे दिया। तो आप बाहे वाले जो अगर पौधे का किस्म अगर देखोगे तो इसमें एक क्षमता है कि रिकवर करने का, जल्दी से जल्दी तुरंत अपना जो पोजीशन पे अपना जो एक शेप में आ जाता है, लेकिन देने वाला नहीं आता है। ऐसे जो फर्क कैसे ढूंढ निकाले और ऐसे फर्क के लिए कौन से गुण प्लांट में आता है, वो गुण कैसे अच्छे किस्म के जो फसल में हम ले आ सकते हैं, वैसे भी अनुसंधान हम करते हैं। जब सूखा हो जाता है तो अपने आप शेप यानी आकार में क्या बदलाव लाता है, कुछ पर्टिकुलर आकार अगर होता है उससे क्या सहिष्णुता बढ़ सकता है पौधों की, उसका भी कुछ अनुसंधान हम कर रहे हैं। ये जो तूर में है, सिर्फ जो शूट का यानी ऊपर वाला हिस्सा नहीं, जड़ का भी जो अनुसंधान हम कर रहे हैं। हमारे पास कुछ तकनीक है, जब फसल की वृद्धि होती है वहां पे जड़ का वृद्धि कैसी होती है, जड़ जमीन में कैसे फैलता है, उसका भी हम अनुसंधान कर रहे हैं। सिर्फ वो जमीन पे नहीं है, हमारे पास कोई तकनीक है लैब के अंदर भी वो जड़ को देखे, किस रफ्तार से एक जड़ बढ़ता है और इस रफ्तार में यानी पौधों के बीच में क्या फर्क होता है, क्या हमें कोई ऐसे किस्म मिल जाए जिसमें जल्दी से जल्दी जड़ जमीन में फैल जाए और उनका क्षमता पानी लेने वाला या पोषक तत्वों को लेने वाला जो क्षमता जो है वो तुरंत बढ़ जाए, और जैसे ही इसको जो पोषक तत्व पानी मिल जाती है ऊपर वाला हिस्सा भी फैल जाए और पत्ते अच्छी तरह से फैलने की वजह से जमीन भी कवर हो जाए और जमीन से जो डायरेक्ट इवैपोरेशन होता है पानी चला जाता है उसका कम हो जाए, वैसा भी एक रणनीति स्ट्रेटेजी कैसे बनाए हैं, कैसे किस्म का सुधार करें हम लोग, उसके बारे में भी विचार हो रहा है। सारांश में अजैविक स्ट्रेस वायुमंडल पानी मिट्टी से जुड़े तत्व कम या ज्यादा मात्रा में होने की वजह से हो सकता है, फसल के सहनशील किस्म एवं संसाधन प्रबंधन से स्ट्रेस से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कई संस्थाएं अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन के लिए कार्यरत है, उनमें से अपना भी एक संस्था है, अजैविक संस्था बारामती पुणे में है, यही बताना चाहता था। और धन्यवाद मेरे टीम को, डॉक्टर महेश कुमार, अपने जो कृष्णा रिसर्च एसोसिएट है और बहुत सारे लोग हैं अपने साथ ये जो अनुसंधान करने के लिए, उनका धन्यवाद। और कृषि बोर्ड के जो सारा जो टीम और डॉक्टर कुलकर्णी के लिए मेरा धन्यवाद। और जो भी हम अनुसंधान करते हैं उसके लिए निकरा, ये जो जलवायु परिवर्तन का सहनशील के अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पे काम करता है क्रीड़ा के अंडर जो हैदराबाद में है, वो हमें सपोर्ट करते हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मेरा जो डिसिप्लिन है, विषय है सस्य शरीर क्रिया शास्त्र है, उसका ज्ञान मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ अच्छे अच्छे किस्म को ढूंढने के लिए, एक फिनोटाइपिंग कहते हैं, उसके लिए मेरे लिए एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संस्था जिसमें मैं भी एक सदस्य हूँ, वो जो टीम मेंबर का मुझे सहायता मिलती है उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे सारे जो कलीग्स है, मेरे जो पहला इंस्टीट्यूट था गेहूं का इंस्टीट्यूट करनाल में है, उनके जो कलीग को
मेरा दूसरा वाला इंस्टीट्यूट था कोलंबिया में, साउथ अमेरिका में मैंने काम की 3.5 साल। वहाँ के जो मेरे जो कलीग्स हैं जिन्होंने मेरे साथ काम की, मुझे सारा सहायता की ये सारे जानने के लिए, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मेरे जो संस्था में जितने भी लोग हैं, मेरे डायरेक्टर हैं, निदेशक महोदय है, पूरा का पूरा सहायता देते हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ और मेरे साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। अब मैं अपने आपके जो प्रश्न है उसके लिए मैं तैयार हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। मेरे दो प्रश्न थे डॉक्टर। हाँ सर। पहला है कि हम जो अभी ये अल्ट्रा लो वॉल्यूम के शेडनेट वापरते हैं, शेडनेट, हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे ड्रॉट एरिया है वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज ज्यादा है। हाँ, यस। तो पर्टिकुलरली फसल जो है वेजिटेबल की, राइट, वो यूएलवी शेडनेट से बताने से वाटर इवेपोरेशन कम होगा? नहीं, सवाल अभी जो अल्ट्रावायलेट की, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की है और सूखा का भी आप बात कर रहे हैं, है ना? और यूज ऑफ शेडनेट, अल्ट्रा लो वॉल्यूम का शेडनेट वापरते हैं उसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, उससे बहुत तेरे फायदा होगा, जरूर फायदा होगा उसमें से। जब ये जो अजैविक स्ट्रेस जो जुड़ जाते हैं, कंबाइंड इफेक्ट होता है, उसका बहुत नुकसान हो जाता है। जो आप शेडनेट की जो बात कर रहे हैं तो उसका जरूर फायदा होगा। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है, आपने जो बायो स्टिमुलेंट की बात की, तो आपने जो बायो स्टिमुलेंट की बात की, बायो रेगुलेटर एंड बायो स्टिमुलेंट, यस, क्या आपके संस्थान में उसका यूज हो रहा है और आपका अनुमान क्या है? नहीं, इसका अभी फिलहाल हमने एक इक्विपमेंट करना था जो वीड एक्सट्रैक्ट से, सी वीड एक्सट्रैक्ट जो है, उसका जो एक्सपेरिमेंट हम शुरू करने वाले हैं, लेकिन हमारा अपना और जो कुछ कंपाउंड्स है, सैलिसिलिक एसिड जो हमने यूज किया उसका अच्छा हमें परिणाम मिला, और पोटेशियम नाइट्रेट जो स्प्रे करते हैं उसका भी अच्छा परिणाम मिला हुआ है, वो अच्छी तरह से हमने दर्शाया है और डेमोन्स्ट्रेट भी किया हुआ है। Any questions from the audience? Hello, Shruti. Thank you so much, Dr. Rane. आपने इतने अच्छे से explain किया कि आज first time ever that हमारे पास questions जो आए हैं वो अभी already कुलकर्णी सर ने आपसे पूछ ही लिए हैं। जो questions सर अभी जो आपने questions पूछे वो वही questions mostly repeat हुए हैं। And दूसरे questions किसी और को अगर कुछ questions रहेंगे तो आप अभी भी वक्त है, आप अपने questions Q&A में लिखिए, डॉक्टर राणे एंड कुलकर्णी सर आपके क्वेश्चंस जरूर अभी आंसर करेंगे। सर, आई थिंक इतना डिटेल्ड आपने एक्सप्लेन किया, क्वेश्चंस थे वो प्रेजेंटेशन के दौरान आपने आंसर कर ही दिए हैं सबके, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर, डॉक्टर राणे, माय सिंसियर थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ अटेंडीज, एंड आपने बहुत कुछ कष्ट लिया है इंग्लिश टू हिंदी करने में, क्योंकि मुझे पता है कि जो साइंटिफिक आदमी होता है उसको बात करने में झिझकते नहीं है, लेकिन उसको ट्रांसलेट करके उसको बताना, आपका काफी वक्त और समय इसमें गया है, और मैं मेरे तरफ से और ये सभी जो अटेंडीज है उनके तरफ से मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ, और हम ऐसे ही समय लेंगे आपसे बातें करने के लिए। मेरे तरफ से धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप सब लोगों को धन्यवाद। वैसे कोई अगर प्रश्न है, या आप मुझे बहुत कम यहाँ पे किसान लोग दिखाई दिए, या वो सिर्फ यहाँ पे इसके ऊपर दिख नहीं रहे हैं, अगर वैसे कुछ अगर किसानों का अगर सवाल अगर है, जरूर मुझे मेरे जो ईमेल है jagran@hotmail.com में बताइएगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा। अगर हमें नहीं पता है उसके बारे में ही हम अनुसंधान कर सकते हैं, या जो पता है वो मैं उनको उन तक पहुंचा दूंगा। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल। थैंक यू।
दर्शकों के लिए डॉक्टर जगदीश राणे का नंबर यहाँ दिया गया है, आप अपने प्रश्न या शंकाएं उनसे पूछ सकते हैं। और किसान संवाद ऐप डाउनलोड करें, आप विशेषज्ञों से जुड़े रह सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।